ऐसे नहीं होना चाहिए. If they want to, then they can also. वो उनकी इच्छा की बात है, अगर चाहे तो वो भी ना करे. Part of the tradition. कि patience जैसी चीज सिर्फ औरतों में होती है, मर्दों में कम होती है. रखती है ना, ये रखने वाले husbands भी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Men should also do it. रखना तो सब कुछ चाहते हैं, but ये है कि face नहीं कर पाते आगे. मुझे भी ज़्यादा जीना है यार, आई एम सॉरी बट एवरीबडी शुड बी इक्वल. आदमियों की सोच के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्या? नहीं करते, उन्हें वैल्यू नहीं है. हमें तो वैल्यू है, तभी तो रखते हैं हम. तो जो आपको अपब्रिंगिंग मिलती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ढलते जाते हैं. ट्रीट नहीं किया जाता बचपन से कि उनको इन चीज़ों की आदत डाली जाए. भूखे नहीं रह सकते तो लुगाई रखे अगर आदमी तो रोए लो अगर. कि सिर्फ एक दिन का व्रत रखने से हुई उसकी लंबी उम्र हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. नमस्कार, आज हमारा टॉपिक है करवा चौथ. तो आइए चलकर लोगों से जानते हैं कि कुछ लोग करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं और कुछ लोग करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखते. इंडियन कल्चर दैट आर फॉलोड फ्रॉम मेनी ईयर्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स साइड्स, लाइक एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ काइंड ऑफ यू नो डोमिनेटिंग द वुमेन इन टर्म्स ऑफ एट द नेम ऑफ ट्रेडिशंस एंड ऑल दैट इट्स यू हैव टू टेक फास्ट अंटिल यू वोंट डू योर फास्ट और यू वोंट कंटिन्यू योर फास्टिंग योर हस्बैंड विल डाई इन द कमिंग फ्यूचर एंड ऑल दैट. अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ काइंड ऑफ डोमिनेंस. But nowadays when we get to know like you know some of in the today's youth only when the newly get married get start their life, men do fasting also just in order that their wives are also doing this. So but that's not that spready or general enough general view ki bhai har jagah yahi ho raha hai. But haan according to me kuch areas mein ek tarah se dominance मुझे ज़्यादा लगता है. ये अब सोसाइटी को देखना मेंटेन करके चलना पड़ता है. अब कोई भी आएगा, कोई भी आगे बोलेगा तो फर्स्ट टाइम बोलेगा ना कि जी मैंने फास्ट रखा है, तो हर कोई से कहेगा यार तूने फास्ट रखा है, तो वो वाली बात हो जाती है. अदरवाइज तो मोस्ट बेसिकली अगर दिल से पूछा जाएगा ना तो हर कोई चाहेगा जो लाइकली अपना वाइफ को लाइक करता होगा तो सोचेगा कि हाँ मैं रखूँगा. बट क्या है सोसाइटी को रखना पड़ता है मेंटेन कि भाई मैंने सोसाइटी को आगे जो मेरे कलीग हैं वो वगैरह मुझसे पूछेंगे भाई तूने फास्ट रखा है, तो वो अपने उसकी वजह से थोड़ा अपने इस ईगो समझ लो या कुछ समझ लो उसको दबा लेते हैं यार मैं नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे को आगे क्या जवाब दूंगा क्या नहीं दूंगा वो वाली बात. ट्रीट नहीं किया जाता बचपन से कि उनको इन चीज़ों की आदत डाली जाए. सो आई मीन वी हैवन्ट सीन आर ब्रदर डूइंग, वी हैवन्ट सीन आर हस्बैंड्स डूइंग, वी हैवन्ट सीन आर फादर्स डूइंग. सो आई मीन इट इज़ बींग फॉलोड. दैट्स इट. करवा चौथ पे दोनों को रखना चाहिए, जैसे मुस्लिम्स में रोज़े बच्चे भी रखते हैं, औरतें भी रखती हैं, जवान भी रखते हैं, बुढ़े वो सबके लिए है. ऐसे ही करवा चौथ पे दोनों के लिए होना चाहिए. लुगाई रखे अगर आदमी तो रोए लो अगर भाई. मैन शुड आल्सो हैव टू लाइक दैट काइंड ऑफ फास्ट फॉर वुमेन. इट्स जस्ट अ फेथ बेसिकली, सो इट्स नॉट ट्रू. अदरवाइज नोबडी वुड हैव नो मैन वुड हैव डाइड इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ करवा चौथ ओनली. और हॉस्पिटल्स में भी होने लगेंगे करवा चौथ फिर तो. सो बेसिकली वुमेन हैव मोर एंड्योरेंस एंड दे कैन फास्ट अ लिटिल बिट मोर. मतलब पति को भी करना चाहिए कुछ सेक्रीफाइस तो उनको भी करना चाहिए. हाँ दैट डिपेंड्स कि मतलब लोगों की मेंटालिटी वही आज से चलती आ रही है तब से कि एक प्रथा है यही चल रहा है यही चल रहा है. दैट इज़ द थिंग. अगर हम चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली. और आजकल कुछ लड़के रखते भी हैं अपने वाइफ्स के लिए. तो डिपेंड्स कि अगर अपने तुमने अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है तो वो डेफिनेटली होगा. अगर आई गेस ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है एंड पहले से ही हमेशा विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे सेक्रीफाइस और दे डू वट एवर इज़ गुड फॉर द फैमिली और फॉर देर हस्बैंड. मेल से कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करता है आई गेस. इससे मेरे हिसाब से तो ये सभी को करना चाहिए. जो अगर महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए रखती है तो नेचुरली कि हस्बैंड भी अपनी महिलाओं के लिए. कोई कंपलसरी नहीं है कि करवा चौथ का व्रत रखा. दिस इज अ कस्टम एंड गोइंग ऑन सिंस मैनी ईयर्स. सो पीपल जस्ट बिलीव इन ओल्ड कस्टम्स. इफ दे वॉन्ट कीप द व्रत समथिंग मिस हैपन दैट्स नथिंग. एंड देन दिस ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ डेज. मैंस आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन दिस. इज द ट्रेडिशन. काफ़ी टाइम से यही चलता आ रहा है कि औरतें ही मर्दों के लिए ये व्रत रखती हैं. तो ये तो ऐसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पे. स्टार्टिंग से यही है और यही चलता रहेगा. ऐसा ट्रेडिशन चला आ रहा है और यूजुअली लेडीज ऐसा करती है बिकॉज वो चाहती हैं. और अगर मेंस करना चाहते हैं तो दे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ऐसा नहीं है जो चीज़ पहले होती थी वो जो पहले वाली चीज़ थी ट्रेडिशंस कल्चर्स वो सब तो अब नहीं रह गए हैं. तो वो सब चीज़ें सिर्फ अब फोर्स के लिए रह गई हैं. एग्जैक्टली अगर नहीं भी रखना चाहता लेकिन दे हैव टू डू इट. उनके रीति रिवाज होते हैं पंजाबियों में तो मोस्टली फीमेल्स रखती हैं. डिपेंड्स और उनके हस्बैंड डिपेंड करते हैं कि रखना नहीं रखना. कई हस्बैंड आजकल तो हस्बैंड्स भी रखने लगे बिकॉज ऑफ लव.
नहीं, मैं तो ये बिलीव करता हूँ इन सब से कुछ होने नहीं वाला है, हेल्थ किसी और चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये सब करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज देयर इज दिस अजम्पशन, पॉपुलर मीडिया, मूवीज, हमारी सोसाइटी, ऑल काइंड ऑफ नैरेटिव्स में ये एक अजम्पशन है दैट इन अ मैरिज, इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, द हस्बैंड इज सुपीरियर एंड द वाइफ सर्व्स द हस्बैंड, द वाइफ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, द एंटायर लैंग्वेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज सच। करते कि सिर्फ एक दिन का व्रत रखने से ही उसकी लंबी उम्र हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। आप बीवी, मर्दों का ये मानना है कि बीवी के लिए क्या होता है कि हर दिन ही उनके लिए व्रत रखना इम्पोर्टेंट, मतलब हर दिन उनके लिए व्रत जैसा होता है, आई मीन हर दिन वो रक्त प्यार करती है अपने हस्बैंड को, हर दिन उनके लिए वो प्रे करती है भगवान से कि उनकी लंबी उम्र हो। सो नॉट जस्ट अ डे, आई मीन एक दिन तो मैटर नहीं करता किसी के लिए। जो हमारी भारतीय सभ्यता में जो पुराना चला आ रहा है, जो जैसा देख रहे हैं वैसे चलता चला आ रहा है भाई, इसके पीछे धार्मिक कारण है कि भाई वो अपने कहना चाहिए पति की लंबी उम्र के लिए। हाँ, सम मेन आर यू नो फॉलोइंग शोविनिज्म, लाइक मेल शुड, वी कैन नॉट फास्ट, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द वाइफ दैट दे शुड फास्ट और दे शुड कुक, बिकॉज दीज एक्शंस आर वेरी फेमिनिन, सो वी शुड नॉट डू, दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली। बिकॉज अगर इफ अ वाइफ लव्स हर हस्बैंड, दिस इज द वे दैट शी शोज इट her love, so man should also show like this by fasting. It's about, जैसे बोला गया है ना, कहा गया है कि परंपराएं हैं, परंपरा चल रही है, so people are following on the same note, but you can't define कि करवा चौथ जो कर रहा है male नहीं कर रहा है, तो there is a difference male या female के बीच में, so it's a part of a culture or it's a part of the tradition that we are following that.